हेलो फ्रेंड्स, भावना किचन की ओर से नमस्कार। आज हम सोयाबीन की सब्जी बनाने की विधि आपको बताएंगे। इसमें हमने दो टमाटर काम में लेंगे, नींबू काम में लेंगे, दो ग्रीन चिली काम में लेंगे, आलू काम में लेंगे, ग्राम सोयाबीन काम में लेंगे, जिसको हमने अच्छी तरह से पानी में 15-20 मिनट पहले भिगो दिया था। ये भी अच्छी तरह से रेडी है। चलिए हम आलू को छोटे छोटे स्लाइस के रूप में काटते हैं, क्योंकि आलू को हमने पहले ही बॉईल कर लिए थे अच्छी तरह से। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। आलू को अब हम छोटे टुकड़ों में स्लाइस कर लिया है। टमाटर को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। चलिए गैस को ऑन कर दिया है। अब से हम कढ़ाई के ऊपर रखेंगे और कढ़ाई को थोड़ी देर के लिए गर्म करते हैं। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसमें सरसों का मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच, और इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से गर्म करेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हाफ स्पून चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसको हल्का सा भूनेंगे, जब तक कि जीरा चटकने लगे। सोयाबीन को हमने 10-15 मिनट पहले ही गोबर रख दिया था। इसको हम जो पानी है वो एक्स्ट्रा वो निकाल देंगे। ऐसे एक अलग प्लेट में सर्व करेंगे। तरह हमने सभी सोयाबीन को अच्छे से उबाल कर पानी से अलग अलग कर दिया है। अब इसको कढ़ाई के अंदर डालेंगे। हमने तेल के अंदर है जो सोयाबीन थी अच्छे से गोल करके डाल दिया है, और थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई में फ्राई करते हैं। इसको अच्छे से चम्मच से फ्राई करते हैं, सारा तेल इसमें मिक्स हो जाए। सोयाबीन की सब्जी बहुत ही टेस्टी लाजवाब सब्जी बनती है। ये आप भी अपनी घर में जरूर बना कर एक बार खाई। इसमें अच्छे भरपूर मात्रा पाया जाता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को अच्छे प्रेस करें ताकि इसमें फिर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे वीडियो अपलोड हो। अब इसको हम एक बार अलग अलग, क्योंकि सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें हम जो आलू कट किए थे वो उसमें फ्राई करेंगे। आलू जो पहले हमने बॉईल किए थे वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, उसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। कार से सब्जी बनाकर खाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे और सब्जी खाना भूल जाएंगे। इसका सब्जी बनाओगे तो हमारे आलू बिल्कुल भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसको एक अलग प्लेट के अंदर निकालेंगे। इसमें फ्राई किए हुए सोयाबीन ऐड करेंगे। और चम्मच अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसमें फ्राई किए आलू ऐड करेंगे, जिसे हमने पहले ही बॉईल कर लिए थे और फ्राई कर लिए थे, उसको ऐड करेंगे और चम्मच अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसमें हींग ऐड करेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ चम्मच। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच
रेड मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि मसाला है वो सोयाबीन और आलू में अच्छी तरह से समा जाए। इसको बहुत ही अच्छा नज़र आने लगा है। आलू व सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है और हेल्थ के लिए भी होती है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर दिया है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया हो, और लाइक नहीं किया वो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन को अच्छे दबाएं ताकि इसमें से अगर आपको जानकारी मिलती रहे। इस प्रकार से अगर आप आलू व सोयाबीन की सब्ज़ी बनाकर खाओगे तो अन्य सब्जियों को आप खाना भूल जाओगे। इसमें टमाटर ऐड करेंगे, अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए चम्मच से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम एक प्याला पानी का ऐड करेंगे जिसमें हमने सोयाबीन को पहले भिगो कर रखा था, इससे सब्जी में अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अच्छे से चम्मच से मिक्स करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे आधा चम्मच। अब चम्मच से इसको लगातार अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि इसको ज़्यादा समय के लिए पकाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ये आलू पहले बॉईल के लिए थे, सोयाबीन को भी हमारी पहले ही हमने पानी भिगो कर रख दिया था 10 मिनट पहले, ये भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे क्योंकि हमने ग्रीन चिली ऐड किया इसलिए लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ऐड किया है। अब इसमें हम नागौरी मेथी है वो ऐड करेंगे जिससे कि सब्जी में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स करते हैं कि बहुत ही खुशबूदार सब्जी बनेगी और फ्लेवर अच्छा आएगा। सब्जी में ग्रेवी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकाते हैं। हमारे आलू बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा नींबू ऐड करेंगे, अब इसमें थोड़ा नींबू का रस ऐड करेंगे से सब्जी बहुत ही खट्टी और स्वादिष्ट बनेगी। सब्जी में अच्छा उबाल आने लगा है, नींबू का रस ऐड कर दिया है, बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब सब्जी बनेगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखते हैं जिससे कि अच्छा उबाल आए सब्जी में। कवर को हटा के देखते हैं, सब्जी में बहुत अच्छे उबाल आ चुके हैं और सब्जी में कलर भी अच्छा आया है और बहुत ही खुशबूदार सब्जी बनी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब सब्जी बनी है, टेस्टी है, हेल्थली है, कलर भी बहुत अच्छा आया है, सब्जी में ग्रेवी भी बिल्कुल सही है। थोड़ी देर के लिए और पकाते हैं। सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को बंद करेंगे और एक अलग नीचे रखेंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है। सोयाबीन व आलू की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और सब्जी बनाने की विधि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को अवश्य दबाएं ताकि समय पर आपको नई जानकारी मिलती रहे। इसको आप रोटी पूरी परांठे साथ भी खा सकते हो। अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा, थैंक्स।